सतगुरु प्यारे की सरना प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में लीजो सूरत जगाए लीजो सूरत जगाए अमृत रूपी वचन गुरु के अमृत रूपी वचन गुरु के अमृत रूपी वचन गुरु के सुन सुन रहे चरण लोलाए सुन सुन रहे चरण लोलाए प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में लीजो सूरत जगाए लीजो सूरत जगाए शब्द भेद ले कर सतगुरु से शब्द भेद ले कर सतगुरु से मन और सूरत अदर चढ़ाए मन और सूरत अदर चढ़ाए प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में लीजो सूरत जगाए लीजो सूरत जगाए सुन सुन धुन सूरत मगनानी सुन सुन धुन सूरत मगनानी सुन सुन धुन सूरत मगनानी मन से लीना खोट छुड़ाए मन से लीना खोट छुड़ाए मन से लीना खोट छुड़ाए प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में लीजो सूरत जगाए लीजो सूरत जगाए सतगुरु लार चली फिर प्यारी सतगुरु लार चली फिर प्यारी सतगुरु लार चली फिर प्यारी सतलोक किया आसन जाय सतलोक किया आसन जाय प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में लीजो सूरत जगाए लीजो सूरत जगाए सत पुरुष का दर्शन पाया सत पुरुष का दर्शन पाया सत पुरुष का दर्शन पाया अनसन संग लिया मेल मिला अनसन संग लिया मेल मिला प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में लीजो सूरत जगाए लीजो सूरत जगाए वासे राधा स्वामी धाम सिधारी वासे राधा स्वामी धाम सिधारी वासे राधा स्वामी धाम सिधारी मगन होय निज भाग सराय मगन होय निज भाग सराय प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में प्रेमी जयो रे सतसंग में लीजो सूरत जगाए लीजो सूरत जगाए की
एक एक सांस खर्च हो रही है। हम रोज किसी न किसी को जाते और आते हुए देखते हैं, फिर भी भूले बैठे हैं कि एक दिन वो हमारा नाम भी पुकार ही लेगा, हमारा नंबर भी बस आ ही रहा है। भूले बैठे जिस काम के लिए मनुष्य जन्म पाया, वह काम तो हमने अभी तक किया ही नहीं। जो साथ जाएगा वो तो कमाया ही नहीं। कभी अपनी इस रूह के बारे में भी सोचना चाहिए, जो आदि से मालिक की गोद से छिटकी है और जन्मों जन्म से इस देह से उस देह में भटक रहे। अब अगर मौका मिला है तो क्यों ना वो काम भी कर ले जिसके लिए नरदेही मिली है, क्योंकि काम नरदेही के अलावा किसी जून में हो नहीं सकता। द्वार जो मनुष्य चोले में खुल सकता है वो किसी जून में बना ही नहीं। अंतर द्वार जो मनुष्य चोले में खुल सकता है वो अन्य किसी जून में बना ही नहीं। तो अगर मौका मिला है तो काम भी कर लेना चाहिए जिसके लिए यह नरदेही मिली। सिर्फ सच्चे भजन सुमरन को ही तो अपनी जिंदगी में शामिल करना है, बाहर तो नहीं करना। सच्चा सुमरन यानी सच्चे दिल से मालिक को याद करना, सच्चा भजन उसकी याद में लीन हो जाए, खो जाए, शुद्ध भुला बैठे। सिर्फ इस सिमरन और भजन को ही तो अपनी जिंदगी में शामिल करना है। 10 मिनट से शुरू करें, 24 घंटे दिए हैं मालिक, 10 मिनट से शुरू करें। पर करें सच के साथ, सचौटी के साथ। यही 10 मिनट का सच का साथ आपके जीवन में एक भारी बदलाव लाने की सामर्थ्य रखता है। 10 मिनट का सच का साथ, और यह सामर्थ्य होगी आपकी अपनी निज सामर्थ्य, मालिक की दया, सद्गुरु की मेहर, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, सब इसमें समाहित है। सब का सार है ये सामर्थ जो अंतर में मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और सद्गुरु भक्त की मेहर से हम पाते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो दाता दया है ही, और जब दया की धार आएगी तो सद्गुरु मेहर को रोक नहीं सकता। हमें उस योग्य बनना, उस सीध में आना है कि हम दया की धार के सम्मुख आ सके। अंतर्मुख होकर खड़े होना है तो हमारा चेहरा रोशन होगा, और अंतर से पीठ कर ली और जगत के अंधेरों में देखना शुरू किया तो चेहरे पर अंधेरा ही होगा। सिर्फ
अपने आप को मालिक की दिशा में ही तो लाना। इतना ही तो सिमरन करना है। हाँ मेरे मालिक तू है और मैं हूँ, एक तू है और मैं हूँ, यही तो सिमरन है और इसी में लीन हो जाना भजन। यही है आपकी असली और सच्ची सामर्थ। जब आपका नाता उस कुल मालिक से जुड़ जाता तो अपने भीतर नाम का दिया जगाए रहो और दिन ब दिन हर दिन मालिक की राह में बढ़ते रहो, नौकरी करते रहो, अपना काम धंधा व्यापार करते रहो, स्कूल कॉलेज जाते रहो, घर गृहस्थी सब संभालते रहो, उठते बैठते उस मालिक की याद ही तो करना है, सब काम करते रहो और दिल में मालिक की याद को बनाए रहो। हाँ तू है और मैं तेरा, यही तो सिमरन है। नाम सुमरन और अपने एक नियत समय पर भजन। भजन का समय नियत इसलिए क्योंकि जब आप हर कामों से अपने फारिग हो जाए, अब कोई इसी काम का विचार मन में ना हो, शांत मन हो, दिनचर्या पूरी हो गई, वो समय बड़ा उचित है। रात को सोने के ठीक पहले, अब तो आंखें बंद करना है और सोना है, बड़ा उचित समय है खुद को अंतर में मालिक से जोड़ लेना। सारी रात देह सोती है पर मन कभी नहीं सोता, और सूरत सदा चैतन्य है। जब सूरत और मन मालिक से जोड़ दिया तो देह सो रही है, सोने दो, सारी रात भजन का फल मिले, बड़ा उचित समय। उचित समय भोर का भी है और भोर से कुछ पहले का समय भी है, पर उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, नींद आ रही हो तो उसको भी रोकना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। समय तो वो भी बड़ा उचित है, पर संतों ने तो बड़ा सहज मार्ग बताया, आंख मिची और हो गए दर्शन। संतों के मत में कोई नियम नहीं, तो भोर का समय भी उचित है, बहुत उचित है। उस वक्त इन अंधेरी किरणियों का प्रभाव यानी काल का प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है, तो जिस समय को भी आप नियत कर सकें अपने लिए वही आपका समय। दिन में 10-10 मिनट भी अगर समय मिला और अंतर में जा सके, 5 बार भी चले गए तो 50 मिनट का भजन हो गया, तो कोई नियम नहीं है। सहज योग, सहज मार्ग, सहज है। तो इस तरह से नाम सुमिरन और समय पर भजन पर इस 10 मिनट से आपका जीवन बदल सकता। फिर जैसे जैसे अंतर में रस मिलता जाएगा, सुमिरन और भजन का समय भी अपने आप बढ़ता जाएगा। घड़ी देख के थोड़ी बैठना, जितनी देर मन लगे उतनी देर बैठना,
और जब अंतर में रस मिलने लगेगा तो मन अपने आप अंतर में लगने लगेगा, और जब अंतर में मन लगने लगेगा तो समय अपने आप बढ़ने लगेगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी अपने मन के साथ, मन तो अपना बच्चा है, जैसे अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अपने मन को, जैसे बच्चे नादान होते हैं मन भी नादान है, खुली छूट दे दी तो जगत में चोट खा कर ही आएगा। तो मन को अपना बच्चा समझना है, ना कि मन का गुलाम कि क्या करें मन नहीं मानता। सुरत की सामर्थ्य से मन क्रियाशील होता है, मन की सामर्थ्य से सुरत क्रियाशील नहीं होता। सुरत के जगाए मन जगता है, मन के जगाए सुरत नहीं जगती। तो इस तरह समय अपने आप बढ़ता जाए, पर ये 10 मिनट सच का साथ आपके जीवन में हर बदलाव ला सकते। यही सत्य का संग, सच्चा सत्संग, और इसे अंतरी सत्संग कहा गया है। सत्संग दो प्रकार के हैं, एक बाहरी एक अंतर। बाहरी सत्संग, अंतरी सत्संग के लिए एक प्रेरक का काम करता है, और सत्य तो घट भीतर ही है, जिसके पट खुलने पर एक मैं मेरा मालिक बाकी सब छूट जाए। राधा राधा
Swami Guru Samara.
Thank you.